कौशाम्बी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। ठगी करने वाला शख्स अपने को यूपी के मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर अधिकारियों से ठगी करता था। उसने अभी तक छोटे बड़े अधिकारियों को मिलाकर लाखों का चूना लगा चुका है। साइबर अपराध करने के लिए शातिर टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखता था। कौशाम्बी के दो अधिकारियों को चूना लगाता इसके पहले ही अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया कि सहायक आयुक्त स्टाम्प और आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था। पुलिस टीम की काफी मशक्कत के बाद पंकज सिंह उर्फ अरविंद कुमार मिश्रा का नाम प्रकाश में आया, जो कि अमेठी का रहने वाला था। पंकज को गिरफ्तार करने के लिए टीम ने कई राज्यों में छापा मारा, लेकिन अचानक उसका मोबाइल लोकेशन मंजनपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव के पास मिला, तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर अभी तक उसने 30 से 40 अधिकारियों को ठग चुका है। इसकी योजना उसने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखकर बनाई थी। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने 3 साल लगातार लखनऊ सचिवालय के सामने चाय की दुकान लगाकर अंदर की सारी जानकारी ली। अधिकारियों को सीएम का ओएसडी बनकर के ठगी करता था, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक व्यक्ति अरविंद कुमार मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा, ये व्यक्ति अपना नाम पंकज सिंह करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने आप को ओएसडी बताता था और जिले के अधिकारियों को ये फ़ोन करता था और उनसे किसी न किसी कारण को लेकर पैसे मांगता था। कई सारे अधिकारियों को उसने इस तरह से उनसे पैसे लिए हैं और कईयों से उसने कॉल किया है। उसकी सारी डिटेल्स हम लोगों को मिली हैं, इसके पास से कई सारी डायरियाँ मिली हैं जिसमें उन सभी लोगों की डिटेल्स मौजूद हैं। ये व्यक्ति अमेठी का रहने वाला है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में जाके अपने क्राइम को अंजाम देता था। इसको हमारी साइबर और सर्विलांस टीम ने मिलकर इसको पकड़ा है और इसके लिए मैं अपनी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहा हूँ। आगे इस चीज़ को हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि जो व्यक्ति शासन की छवि को धूमिल कर रहा था, इसके और भी कुछ लोग मेंबर्स हैं कि नहीं इसके साथ, और इस और किस तरह के अपराध इसने किए, वो सारी चीज़ों की छानबीन की जा रही है और इस मामले को हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं। ये कहाँ से इंस्पायर होकर इस तरह के अपराध को अंजाम दिया? इसका कहना है कि क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखता था और वहीं के एक सीआईडी में ही एक किरदार है पंकज, जिससे कि प्रभावित होकर इसने अपना नाम पंकज सिंह रखा। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना निडर है कि ये अपने आप को सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी का ओएसडी बताता है और सभी अधिकारियों की डिटेल्स इसके पास हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ही अधिकारियों को फ़ोन करता है और उससे पैसे लेता है। तो उन सभी लोगों के बयान लिए जाएंगे, सभी से बात किया जाएगा और इस मामले में सजा हो, कठोर से कठोर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। क्या क्या बरामद हुआ है सर? इसके पास से कई सारी चेकबुक्स बरामद हुई हैं, कुछ डायरियाँ बरामद हुई हैं, इसके अकाउंट वगैरह की डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं और कुछ होटल की रिसीट्स वगैरह भी मिली हैं जहाँ पर ये रुकता था और वहीं से ये घटना को अंजाम देता था। क्या सर राम मंदिर नाम की कुछ वसूली? ये भी आया है सामने कि कुछ लोगों से इसने इस नाम से भी पैसे लेने का प्रयास किया है।